हाय डियर, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इट्स ऑन द टिप ऑफ माय टंग का आखिर हिंदी क्या होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली स्लाइड में हम देखेंगे अदर देन, आखिर इसका हिंदी क्या होता है। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है, बट आई डोंट नीड एनीथिंग अदर देन अ टीवी, लेकिन मुझे टीवी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मतलब टीवी के अलावा मुझे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो अदर देन का मतलब होता है के अलावा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, आई डोंट वांट एनीथिंग टू ड्रिंक, मैं कुछ और नहीं पीना चाहता अदर देन टी, टी के अलावा मैं कुछ और नहीं पीना चाहता, कहने का मतलब है कि टी मैं पीना चाहता हूँ। तो अदर देन का आपने मतलब देखा के अलावा इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं लुकअप, लुकअप का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड देन लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी। इसका मतलब है कि इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, अगर इस वर्ड के मीनिंग के बारे में आपको नहीं पता, आप श्योर नहीं हो, तो क्या करें, आप इस वर्ड को डिक्शनरी में देख ले, डिक्शनरी में ढूंढ ले। तो लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, देखना, सर्च करना इस तरह से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ओके लेट मी लुक अप द डायरेक्शन टू द थिएटर। ओके ठीक है, मुझे जो थिएटर है उसकी डायरेक्शन देखने दो, उसका रास्ता देखने दो कि किधर क्या है। तो आप या तो मैप पर देख रहे हो या किसी चार्ट वगैरह पे देख रहे हो या खुद ऐसे चलकर देख रहे हो। तो दोनों ही एग्जांपल पे लुकअप का मतलब होता है ढूंढना या सर्च करना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, आखिर इसका हिंदी क्या होता है। तो यहाँ पे स्पीकर ए बोलता है डू यू नो हर नेम, क्या आपको उसका नाम पता है। तो स्पीकर बी क्या बोलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, लेकिन वो मेरी ज़बान पर है, आई थिंक हर नेम स्टार्ट विथ अ पी, मुझे लगता है कि शायद उसका नाम पी से शुरू होने वाला है। तो इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग का मतलब होता है कि मेरी ज़बान पर ही है। बहुत बार हम कुछ चीज़ याद करते हैं, वो हमारी ज़बान पर होती है लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो इसी सिचुएशन, इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग बट आई थिंक हर नेम स्टार्ट विथ अ पी, लेकिन मुझे लगता है कि उसका नाम पी से स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप कि स्लाइड से आपको इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग का मतलब समझ में आया होगा। हमने जो यहाँ पे वर्ब यूज़ किया है थिंक, इसकी अलग अलग फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, ING और थर्ड फॉर्म जो कि स्क्रीन पर गिवन है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव रख सकते हैं। अब खुद से इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपके सामने दो सेंटेंस है, ये तो बहुत अच्छा अवसर है और वो मेरी ज़बान पर है। इन दोनों की इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको इंग्लिश बनाइए। आई होप कि आपने इंग्लिश बना ली होगी। ये तो बहुत अच्छा अवसर है, इसकी इंग्लिश होती है इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और वो मेरी ज़बान पर है, इसकी इंग्लिश होती है इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।